नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आ चुका है और इसकी फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। जिन लोगों ने अभी आंसर की नहीं देखी वो ssc.nic.in पर जाके अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमटीएस की कट ऑफ क्या रही थी, कितने फॉर्म भरे गए थे और कितने लोग क्वालिफाई किए हैं, उन सब के बारे में। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में हुआ था। 13 दिन एग्ज़ाम आपका चला था और ये कंप्यूटर बेस्ड था, ये आप जानते ही हैं सब। और इसमें जो फॉर्म भरा था वो 38.58 लोगों ने फॉर्म भरा था, यानी 38.5 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा था, जिसमें से 19,19,004 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 19 लाख लोगों ने लगभग एग्ज़ाम भी दिया था। आगे आपके आंसर के बारे में बता रहा है कि आपके आंसर की आ चुकी है फाइनल। बात करते हैं आपके पेपर 2 के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, तो आप यहां देख सकते हैं इसका रेशियो 1:15 का, यानी कि एक वैकेंसी पे 15 लोगों को बुलाया जा रहा है, यानी कि 15 लोग पेपर टाइप 2 के लिए क्वालिफाई किए हैं, 15 गुने स्टूडेंट। तो पेपर 2 आपका, उसकी भी डेट 24 तारीख है, तो वो भी आगे बताऊँगा, लेकिन 24 तारीख का अभी आप ध्यान रखिएगा। और आप इसमें देख सकते हैं कि आप 2 एज ग्रुप में यहाँ पर बुलाए जाएंगे छात्र, एक 18 से 25। रिजल्ट जो निकला है उसमें 18 से 25 की लिस्ट एक अलग निकली है और 18 से 27 वालों की अलग निकली है, आप यहाँ देख सकते हैं। और कट ऑफ नीचे स्टेट वाइज है, वो भी मैं आपके लिए दिखाऊंगा। हाँ, आप ये देख सकते हैं जो 18 से 25 वाले कुल छात्र थे वो कितने हैं और 18 से 27 वाले कितने हैं। 18 से 25 वाले कुल छात्र हैं 84,778, तो ये 18 से 25 वाले छात्र थे। और यहाँ पर जो 18 से 27 वाले कुल स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई किए हैं वो हैं 26,384। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं 18 से 27 में और कितने क्वालिफाई किए हैं 18 से 25 वाले में। चलिए अब देखते हैं हम स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी कितनी गई है। यह है हमारी पहली कट ऑफ जो है 18 से 25 वालों की, वो है यहाँ आप देख सकते हैं बिहार है, सीआर रीजन में आता है और यूपी भी सीआर रीजन में आता है। तो इनकी पहले कट ऑफ देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ तक दी हुई है बिहार की कट ऑफ और इसमें कट ऑफ के नंबर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की गई है 83.95 और एससी की गई है 76 और एसटी की गई है 62। तो यही थी इम्पोर्टेंट। और आपकी अनरिजल्ट गई है यहाँ देख सकती है 82, यानी कि सबसे ज़्यादा गई है आपकी ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद आपकी यूआर की गई है 82, उसके बाद आपकी ओबीसी की गई है 81। तो ये थी बिहार की कटाव। इसी तरह से आप सभी कटाव चेक कर सकते हैं, यूपी की ये देख सकते हैं आप, यूपी की ईडब्ल्यूएस की 78 गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद नीचे ये एससी एसटी ओबीसी और सबसे लास्ट में आप यू आर यहाँ पे देख सकते हैं 75। यूपी में भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यू आर से ज़्यादा गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे जिस स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट की कट ऑफ हम इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ। उड़ीसा वाले देख सकते हैं, इसी तरह आप पश्चिम बंगाल वाले देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ईडब्ल्यूएस की 70 गई है और जनरल की गई है 75 और ओबीसी की गई है 70। कर्नाटक में ईडब्ल्यूएस की 75, ओबीसी की 79 और यूआर की 75। कर्नाटक में देखिए ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस से और उससे अनरिजर्व से यानी जनरल से। आगे केरला में देखिए ईडब्ल्यूएस की 75 है आपकी, ओबीसी की 80 है। केरला में ईडब्ल्यूएस से ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा गई है और यहाँ पर जो जनरल की है वो 81 है।
एससी की 70 है, एसटी की 57 है। केरला में छत्तीसगढ़ में जो ईडब्ल्यूएस की है वो 73 कट ऑफ है, आप यहाँ देख सकते हैं, और ओबीसी की 72 है, और जो जनरल की है यूआर की वो 75 है। मध्य प्रदेश, इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की 75 है, सॉरी 75 नहीं, 75 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 81 है और ओबीसी की ये 79 है और एसटी की 61 है, एससी की 72 है, जनरल का है, हाँ जनरल की 80 है, यानी कि मोस्टली जगह ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो जनरल से ज़्यादा गई है। ऐसे आप आसाम में देख सकते हैं, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, दिल्ली, चलिए दिल्ली के देख लेते हैं कट ऑफ कितनी गई, ईडब्ल्यूएस की 75 गई है, एससी की 74, ये देखिए एससी ईडब्ल्यूएस एकदम पास पास है बहुत, और एसटी की 65, और आपका ओबीसी का 70 गई है यहाँ पे। ओबीसी की कट ऑफ दिल्ली में एससी से ज़्यादा, एससी की कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा चली गई, आप यहाँ देख सकते हैं एससी कट ऑफ दिल्ली में 74 है और ओबीसी की 70 है और जनरल की है 75। तो ये देखिए कट ऑफ इस बार में एससी की भी ज़्यादा जा रही है ओबीसी से, हो सकता है दिल्ली में एससी के स्टूडेंट ने ज़्यादा फॉर्म भरा हो इस चक्कर में। राजस्थान, इसी तरह राजस्थान की आप चेक कर सकते हैं, उत्तराखंड की भी आप देख सकते हैं, सभी प्रदेश की इसी तरह आप देख सकते हैं, जिस प्रदेश से आप आते हैं वे फॉर्म आपने यहाँ से फिलअप किया है। महाराष्ट्र की देख लीजिए, लास्ट में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस के 70 है और आपका एससी का 66 है, एसटी का 54 है और आपका ओबीसी का 66 है, ओबीसी का 66 है और आपका जो जनरल का है वो 67 है। तो ये थी आपकी कट ऑफ का वीडियो, जो सभी राज्यों की कट ऑफ आ गई, आप देख सकते हैं किस राज्य से आपने फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, ताकि एक पहले अपनी कट ऑफ देख सकते हैं, यहाँ नीचे दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आप जिस प्रदेश में आते हैं वो देख लीजिएगा, बिहार वाले यहाँ देख सकते हैं अपनी, यूपी वाले यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ मैं इसको डाल दूँगा तो आप परेशान ना हो ज़्यादा, आगे देख लीजिए सब लोग, इसी तरह से आपको अपनी कट ऑफ चेक करनी है। MTS 2019 की कट ऑफ का वीडियो, आपके वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए। मैंने इसके आंसर के आप कैसे मोबाइल में चेक कर सकते हैं उस पर वीडियो बना दिया है, तो आप वो भी जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, बाकी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।